फ्रेंड्स मैं ओबरे के पास आ गया। मारने पड़ती देखो मारने पड़ती कैसे करी कर देने भाई चुप रेम टी नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं तो मार देगी चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर शेयर कर दो बोल शेयर। देखो बच्चा हो गया है मम्मी ने इसकी कितनी केयर की है देखो इसके ऊपर है बोरा सा ढक के रखा है इसके ऊपर ताकि इसको ठंड ना लगे। हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे सभी स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स पिछले कल मैं चंबी से घर को वापस आ चुका था ब्लॉग में बना नहीं पाया बिकॉज मेरे हाथ में स्टेयरिंग था गाड़ी का तो मैं कैसे फ़ोन को पकड़ता यार और कैसे ब्लॉग बनाता और मैं वहाँ से 6:30 बजे आ गया था मतलब सुबह के 6:30 बजे वहाँ से चला था तो घर में पहुँच गया था 4 बजे 4 या 4:30 बजे तक मैं घर पहुँच गया था। सो जब घर आया तो मेरी नज़र सबसे पहले पड़ी मेरे रूम में तो रूम एकदम से बिल्कुल साफ़ था। उसके बाद कब्बू की सिलाई मशीन पे मेरी नज़र गई तो सिलाई मशीन भी बिल्कुल साफ़ थी मतलब रूम कहे तो बिल्कुल साफ़ था रूम। सो उसके बाद नज़र पड़ी मेरी मनी प्लांट पे तो मनी प्लांट में ही वो क्या बोलते इसको ट्रेल बोलते हैं हमारे तो यहाँ पर पाला पाला तो जैसे हवा से आता होगा अंदर इधर बरामदे में बाहर ठीक है यहाँ पे रखा था पहले बाहर रखा था अभी मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले रूम में रखा है। सो इसमें ये देखिए पत्ते काले काले हो गए इस पर मतलब ऐसे बूंदे बूंदे सी बन चुकी है ब्लैक कलर की ठीक है। सो ये ख़राब हो सकता है अभी मेरे को लग रहा है। बाकी ये बताना था आपको कि मैं पहुँच गया था घर। सो अभी यहाँ पर सोलन जाऊँगा कल या परसों तक तो नया ब्लॉग आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स लाइक और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स चैनल को। सो घर आके मैंने सबसे पहले तो बैग जो था वहाँ से एक बैग लेके मैं आया था जो लेके गए थे ये वाला बैग तो इसमें से कपड़े निकाल के मैंने रख दिए थे अलमारी में। सो मेरे को तेल लगाना तो आता नहीं है कपड़ों का तो जैसे थे मैंने वैसे रख दिए इसमें रख दिए। मैं अपने ही कपड़े लेके आया फिलहाल वहाँ से और एक सूट कब्बू का था वो सिलाई उसने की नहीं वहाँ पर सिलाई मशीन नहीं चल रही है ना कब्बू की तो वो भी मैंने रख दिया है। बाकी शूज़ की जोड़ी थी 3 मैंने रख दिए ये शूज़ लिए थे फ्रेंड्स मैंने वहाँ पे लुधियाना में ये वाले ये शूज़ तो काफ़ी अच्छे हैं काफ़ी सॉफ्ट है एकदम से तला भी इसका काफ़ी सॉफ्ट है। उल्टा शूज़ में दिखाऊंगा नहीं आपको बोलोगे आप कमेंट में कि उल्टे शूज़ दिखा रहा था ये देखिए सॉफ्ट है बिल्कुल काफ़ी अच्छा शूज़ है। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा तो 2 या 3 जोड़ी वो लेके आऊँगा तो 250 रुपये में आता क्या है यार काफ़ी है ठीक है। तो बाकी काफ़ी प्लांट में ख़राब हो चुके हैं तो अभी आपको मैं मिलाता हूँ रोक्सी से ठीक है मिल लेते हैं रोक्सी से। ये देखिए टमाटर इकट्ठे करके रखे पापा जी ने पापा जी नवीन थे घर में तो इन्होंने पूरा खेत बिल्कुल खाली कर दिया टमाटर का तो ये जो लास्ट में जितने भी है इकट्ठे करके घर में रख दिए तो इसको ठीक है तड़का लगाने के लिए सब्जी में। ये देखिए ये भी पानी डाला तो था पिया ने इसको पिया कर रही थी सिंचाई इसकी प्लांट्स की जितने प्लांट्स है मेरे बट ये क्या करें ठंडो ठंड के मौसम में काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं बचाने पाल से। ये देखिए टैक्सन बड़े आराम से लेता है टैक्सन। ये देखिए अंगूर की मैंने बेल लगाई थी इसमें ये भी सूख चुकी है क्योंकि यहाँ से क्रॉस होके ना हवा से आता होगा पाला और ये ख़राब हो जाते हैं काफ़ी मुश्किल हो रही रॉक्सी रॉक्सी। सो जैसे मैं कल घर पहुँचा तो मेरे साथ खेलने के लिए बिल्कुल मेरे ऊपर उछल के आ गया था। सबसे पहले तो पार जो सड़क है ना हमारे घर के लिए वार को सड़क है तो वहाँ पे इन्होंने जंप कर दी थी कार के ऊपर और जो बाकी के प्लांट्स हैं फ्रेंड्स वो है ऊपर छत पे तो मैं दिखाऊंगा आपको दिखा देता हूँ चलो। तो ये रहा ये तो ठीक है अभी ये वाले प्लांट तो बिल्कुल सही है ना इसमें वैसे लगता नहीं है पाला इतने जल्दी ना ये एवरग्रीन है ठीक है ये तो सारे ठीक है क्योंकि इसके छत के नीचे ना सेफ है बचे हुए हैं तो यही प्लांट्स हैं बाकी काफ़ी थे ख़राब हो चुके ठंड में तो बहुत मुश्किल हो गया बचाने तो मौसम आज ऐसा है कुछ बादल है बट बीच बीच में धूप ही निकल रही है बीच बीच में बादल हो जाते हैं तो मौसम का कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि कब बारिश हो रही है कब नहीं हो रही है। यहाँ पे वैसे बारिश हुई नहीं थी जिस दिन चंबी में बारिश हुई थी तो यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है तो चंबी में तो ऊपर डलहौजी में तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी गिरी बट यहाँ पर अभी बर्फ़ नहीं है अदर मतलब ऊपर जाके शिमला में तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर चुकी है। तो ये तो थोड़ा सा ये छोटा सा नज़ारा है यहाँ पे हमारे गांव में थोड़ा सा व्यूज़ दिखता है बाकी ये पहाड़ी है इस पहाड़ी के पीछे इस पहाड़ी के ऊपर अगर आप जाओगे ना बाहर यहाँ से बिल्कुल चंडीगढ़ ऐसे दिखता है आमने सामने
कसौली उस साइड को है फ्रेंड्स, कसौली जो है उस साइड को है, काफ़ी पार से दिख जाता है, पार ग्राउंड है काफ़ी बड़ा, तो वहाँ से दिख जाता है कसौली। तो मौसम काफ़ी गंदा ही है बना हुआ, ना बारिश भी नहीं हो रही। सो अभी घर पे कोई नहीं है, मम्मी गए घास को और पापा जी मार्केट चले गए हैं। जैसी गाड़ी घर में है तो एकदम से तैयार होकर चलेंगे। काफ़ी टाइम के बाद गाड़ी है ना घर में, 10 या 15 दिन बाद गाड़ी घर में है, तो एकदम से लेके चले गए। तो जो मैंने ड्रम में कलर करवाया था ना वो येल्लो सा, उनको काफ़ी पसंद आया, बोल रहे थे क्या करवा दिया। मैं क्या ऐसे ऐसे बोलते चलो अच्छा है, अच्छा है मतलब रिम ना यार एकदम से उस पर ग्लो कर रहे हैं, सिल्वर कलर येलो कलर के साथ एकदम से ग्लो कर रहा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, मेरे को तो बहुत पसंद है। अभी मैं पेंटिंग को साफ करने है कृष्ण भगवान जी को, ठीक है ये पेंटिंग साफ करने की सोच रहा हूँ, इसमें साफ कर देता हूँ, काफ़ी डस्ट है दिख रही है ना, काफ़ी ज़्यादा डस्ट टिक चुकी है इस पर। तो बाकी रूम तो बिल्कुल साफ है, बाकी इसको कर देता हूँ मैं साफ यार। ये देखिए डस्ट है, कल मैंने कब्बू को वीडियो कॉल की थी रात को तो उसकी नज़र पड़ी थी इस पर, बोलते इसको साफ कर देना, मैं क्या हाँ यार साफ कर लूँगा इसको। सो चलो साफ करते हैं फ्रेंड्स, आप तो मत करो मैं कर देता हूँ, ठीक है। कपड़ा लेके आता हूँ सबसे पहले, तो ये लेके आया हूँ मैं कपड़ा, कपड़ा नहीं रुमाल। सो ये एकदम से कॉटन का नहीं, रेशम का रुमाल, सॉरी रेशम का रुमाल, पता नहीं किसका हो गया था, धो के रखा होता पिया ने बाहर वायर के ऊपर सुखाने के लिए, तो डांट पड़ सकती है, ऐसे साफ कर दूंगा इसको ऐसे, उससे पता नहीं चलेगा बट व्लॉग देखेगी तो पता चल जाएगा कि हाँ मेरे रुमाल की सफाई की, ठीक है। ये भी हो गया साफ, ये भी साफ हो गया। इस पर मैंने फ़ोटो लगानी है, जैसे समझ लो ये मैं हूँ, ये कब्बू है और ये कब्बू है, ये ऐसे करके ना, ठीक है। तो आ जाओ साफ कर लेता हूँ मैं इसको, अब ये रही बड़ी आ रही है, कृष्ण कन्हैया सब्सक्राइबर बढ़ा दो। तो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना भूल गया मैं यार आपको, बंटी भैया की शादी के कार्ड भी आ गए थे कल, मैं लेके आया ये है हमारा और ताऊ जी का लेके चले गए पापा जी, और ये है अनुदिति का, अनुदिति के लिए। तो ठीक है बाकी मैं बता देता हूँ आपको कब की शादी, 9-10-11 को शादी है फ्रेंड्स, वहाँ पर 10-11 को शादी है और आ जाना है सबने, ठीक है। मेरे साले की शादी है, बंटी भाई की जो आपने व्लॉग में देखे थे उनकी शादी है, ये देखिए 10-11 को है। सो इसीलिए हम गए थे शॉपिंग करने वहाँ पे लुधियाना में, आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा शॉपिंग करें, तो बंटी भाई की शादी का जो भी सामान था हमने लुधियाना में लिया है। सो काफ़ी अच्छे से शॉपिंग हुई वहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आया शॉपिंग करने में, ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आपने देखा ही है। सो रश भी काफ़ी ज़्यादा था, तो बट इतनी भीड़ में सामान लेते लेते ब्लॉग बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बाकी सामान लेने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी माइक लेना है मुझे वैसे ना, अभी छोटा माइक लूँगा, मेरे को पता नहीं है कहाँ मिलेगा, ऑनलाइन देखूँगा, ऑनलाइन चेक करेंगे उसको, नवीन को बोलूँगा कि मंगवा दे। सो मंगवा देंगे माइक को, बस यही था, कार्ड भी लेके आ गया था मैं कल। 10-11 को शादी है तो आना है सबने, जिसने भी जाना होगा तो चल पड़ना मेरे साथ, बता देना, ठीक है। फ्रेंड्स मैं ओबरे के पास आ गया, मारने पड़ती रहो मारने पड़ती कैसे करी कर देने आए चब रेमटी नहीं हट जाने मेरे को अंदर। सो मैं क्या बोल रहा था फ्रेंड्स, ये देखो हमारे गाय का बच्चा हो गया है, मम्मी ने इसकी कितनी केयर की, देखो इसके ऊपर है बोल रहा था, ढक के रखा है इसके ऊपर ताकि इसको ठंड ना लगे कि मम्मी देखो, अरे अंधेरा है मम्मी, ये तो देखो नहीं हो रही, मेरे मन देख रही है, छोटा सा बच्चा है इसका, देखो क्योंकि छोटू सा, हाँ चीची चीची देखा पच्ची तरह ए, नहीं ये देखिए देखो कैसे आक्रमण कर रही है फाइट करनी, घास खा चुपचाप नहीं, ये नहीं मानती किसी को भी नहीं। एक बार कब्बू आई पानी पिलाने के लिए इसके पास, उसने जो टक्कर मारने की कोशिश की पर बच गई, उसके बाद आता इसके पास कोई नहीं, मैं आता हूँ बट मेरे को पहचान नहीं रही आज। खा ले तू, तू खा ले, इसने इसने बच्चा दिया है, अब दूध हो जाएगा घर में, ठीक है काफ़ी दूध हो जाएगा, मैं आंसू मारने ना जो मम्मी है हट नहीं पहचानती नहीं, मम्मी की लाड ली है
है ना मम्मी, तुम्हें डाल दिया बच्चा तो देखो ना मम्मी यार, बच्चा देखा नहीं फ्रेंड्स यार, ऐसा सा है, छोटा है पर इससे ये तो काफी बड़ी होगी ना, अब इसी कलर में है, ऐसे कलर में है जैसे इसको, अरे नहीं पहचान ही नहीं रहे कोई नहीं। कैसे कर दिए ब्लॉग में आ रही तू, तो रानी है चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं तो मार देगी चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दो मान शेयर बहुत शेयर कर दो चैनल को शेयर बोले हम सारे ना तुम यार है रीमी रीमी नाम इसका रीमी कदे मम्मी ने दरवाजा बंद अब घर को जा रहे, मम्मी ने चावल लगाए बनाने के लिए।